चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इनसे बात बात करें, 14 दिन पेमेंट करवाओगे कहते के? करवा दिया। बागपत की रैली में ही कहा था का, करवा दिया के मतलब जनगात मगे पेमेंट का लो का कहने का 400 का आ रहा बता कर करे। आज महंगाई की स्थिति है जी, पब्लिक परेशान है जी। सिलेंडर देख लो आप, कहाँ 350 रुपए का था जी, अभी घटा है 200। बताओ क्या घटा है जी, उसे ही बढ़ाता है जी, फिर उसे घटाते हैं। अगर मेरी सरकार आई तो ग्रेजुएटी 40 दिन की कर दूंगा प्राइवेट सेक्टर में। कहाँ गई बात है, जनता क्या सोच रही है? जनता तो ऐसा कैंडिडेट चाह जो जनता के बीच में हो और जनता की काम करे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में हैं और बागपत ज़िले में बागपत लोकसभा सीट है और ये कस्बा जो है छपरौली है, गांव छपरौली। हम बात करेंगे देश में होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर। गांव ये लोग हैं छपरौली गांव के, इनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि इस बार क्या समीकरण बन रहा है बागपत सीट पर। क्या नाम जी, कहाँ से? संजीव। कहाँ के संजीव जी, किस गांव के? तिलवाड़े से जी। लगातार लोकसभा चुनाव है, चर्चा बढ़ी रही है उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, तो आपको क्या लग रहा है जी, ये बागपत लोकसभा सीट है किस तरह देख रहे हैं, चुनाव में क्या रहेगा इस बार? दो बार पहले की रैलियाँ वही करेगा, तो जो ना जीत कर लेंगे भाई, जिता लेंगे बीजेपी वाले भाई, जबरदस्ती क्या बेईमान निकल ले, रात को हरा दें। पिछली बार रात 3 बजे तो 3 से सीट थी आ गई थी मोदी की, बागपत सीट जो रात के 12 बजे खोल ली थी, 12 बजे राज्य जयंत। अभी भी जीते, 3 राज्य जीते अभी। राज्यों का की मतलब है, इनकी बात है, यहाँ जीत के आज लो उधर से यहाँ सीट बनी छपरौली विधानसभा जीतती नहीं बीजेपी, ना कांग्रेस जीतती ना कोई जीतता, बस लोकदल की सीट मानी जाती है। लोकदल की है ही यहाँ पर भाई, फिर भी जीत जाओ। क्यों पंडित जी, क्या लगे, क्या कारण आपको लगे इसके पीछे? भाई की बीजेपी जी बोर की रह गया समय, कुछ हल नहीं है ऐसा, तो लोकतंत्र एक तरह से खत्म ही हो जाएगा अगर इस तरह से। हो रहा जी, हमारा पेमेंट नहीं मिलता, पिछले साल का बिलो नहीं मिला, इस साल का कद को मिलेगा, दो महीने हो लिए, इस साल का गन्ना गिर तू, पिछले साल का बिलो नहीं मिला। कौन सा मिल पड़ता है आपका? मलकपुर चीनी मिल। बकाया है काफी अभी भी, बकाया है गन्ना अभी, पिछले साल का रहा बकाया है, इस साल का तो छोड़ दो। और सीट या बीजेपी के जाएगी और की होना, तो कैसे छपरौली कैसे करेगी अगर ऐसे होता रहा? कुछ कैसे भी नहीं करे, अपना हम वोट गिरू जाएंगे, वही जीत जाएंगे, वही सारे को जीत जाओ भाई। तो यहाँ के सांसद है सत्यपाल जी, तो कुछ काम ऐसे आपकी नज़र में हुए हों पिछले उनकी सांसद निधि के द्वारा या उनके कार्यकाल में? हाँ बढ़िया काम करवा रहा, पुल बनवाया दिया, रोड बनवाया दी, 4 लेन काम बढ़िया करवा रहा सतपाल, हम खराब गए हैं भाई। चलिए लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे 2024 की। अच्छा जी, क्या लग रहा इस बागपत सीट है? हाँ। क्या समीकरण बन सकता है इस बार 24 के चुनाव को लेकर? यहाँ तो जी अजीत का जोर रहा है आगरा और उसका ही है, लेकिन अभी हाँ पिछले सालों में कुछ बदलाव हुए? बदलाव हुआ थोड़ा बहुत, बीजेपी की परसेंटेज बढ़ी, पर जो यू गन्ने का पेमेंट है अगर ये करवा दे समय पे, बिजली की व्यवस्था भी सुधरगी, वैसे तो गुंडे बदमाश भी खत्म हो गए, और जो इस पेमेंट की व्यवस्था और सुधार दे तो फिर बीजेपी को यहाँ तक कोई हटा वगैरह। लेकिन लोकदल से अजीत सिंह की जय की चौधरी साहब की सीट मानी जाती थी छपरौली हमेशा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन दो योजनाओं से भाजपा से सांसद है, उनका काम कैसा लगा? सांसद तो आया ही नहीं इस योजना में, तो आया ही नहीं के 5 साल वाली में, पहली में तो आया एक दो बार, हमने तो पिछले 4.5 साल हो गए, अब लो उसकी एक बार भी शक्ल नहीं देखी, और हम भी यहीं सड़क पे भी रहें, बाजार में भी रहें, हमारा घूमन फिरन का काम है, हमारा गांव में भी जाऊँ मैं, तो हमने पिछले 4.5 साल से हमें तो एक भी मीटिंग उसने सांसद ने करी नहीं यहाँ। तो उनके उससे कुछ काम नज़र आता हो भाई, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
भाई सम्मान निधि से, सांसद निधि से इस तरह के कोई विकास हुआ हो या काम हुआ हो आसपास? देखो किसान जो सम्मान निधि है मिल रही है, अच्छी बात है, समय पे मिल जाओ, हुआ 2 रुपये काम आ जाए किसान के तो काफ़ी रहती है वो जो मदद। हाँ, नहीं चलो जो भी है मिल रहा, ठीक मिल रहा, ठीक मिल रहा। हाँ, लेकिन अगर महंगाई देखे तो फिर भाई तो पूरा बताया तो दिया भाई, पिछले 4 साल से हमने उसकी शक्ल नहीं देखी आज लोग, तो नु बताओ उससे क्या लाभ होगा? ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने से क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। जनता क्या सोच रही है? जनता तो ऐसा कैंडिडेट चाह जो जनता के बीच में हो और जनता की काम करे, विकास के काम करे, रोड का काम करे। पिछले कई साल से पुल पास करवाया था यहाँ, वो ब्लॉक की उसकी सड़क बन गया तैयार नहीं हुई, अब लोग पुल तो बन गया लेकिन सड़क नहीं बनी, रास्ता नहीं बना, जाम लगे यहाँ, खूब जाम लगे। ये बिजली के खंभे हैं, ये जगह नीचे हो रहे तार, सांसद अपनी निधि से पास करवाता है, इन्हें तार वार ऊपर को हो जाते, ये यूनिकर काम हो रहा। काम तो कितने ही हैं कस्बे में जो नहीं हो रहे। जो ये पशु हैं इनका योगी ने मोदी ने नुकार था, उनको बस सब काम हो जाएगा, तो ये तो कब तो इनका समस्या है बड़ी, ये बहुत बड़ी समस्या, इससे बड़ी समस्या हो नहीं सकती। किसान खेत में तो करे काम दिन में, रात को इनका पहरा दे, तड़की उस पर काम नहीं होता तो कुकर मजबूरी नहीं आ, तो इसका समाधान होना चाहिए। ठीक है भाई, वो तो कह रहे गांव सारा गौशाला बना रहे हैं, गांव गांव योगी जी सरकार ही कह रही है, सरकार तो कह रही है ब्लॉक में गौशाला छपरोली है तो यहाँ जाओ डंडे खाओ छपरोली के पीटो इन पे, बता कौन मान रहा मानने के कोई। और किस तरह की समस्या नजर आ रहा है आपको? मुझे तो समस्या यही भारी है, नुकसान हो जावे काफी सारा, सब अड़ंगा नहीं चले जाओ, मील पेमेंट नहीं देता, के मामला आयो इनसे बात बात में 14 दिन पेमेंट करवाओगे कहते के करवा दिया, बागपत की रैली में ही कहा था का करवा दिया के मुझे जन गया था मगर पेमेंट कहा लो का कहने का 4 लोग आ रहा बता कर तो मोदी जी सच नहीं बोलते? सच तो कोई बोलता नहीं सरकार में, सब ड्यूटे नहीं बच्चे, बता सच कौन बोल रहे हैं भाई। तो इनका क्या इलाज करोगे, कैसे हल करोगे? मेरे तो इलाज होता नहीं, मेरे तो एक चीज की इलाज है, अपनी अधिकार है। तो चुनाव आते हैं, चुनाव में इस तरह के मुद्दे होते हैं, उन पे बातचीत करनी चाहिए। तो समस्या है आपकी भी? हमने तो सांसद सारे देख लिए, हमें तो मुख्यमंत्री मायावती के साथ कोई लगे नहीं, बस क्यों ऐसी पेमेंट एक बार दुआ दिया था। ऐसी क्या खूबी लगी मायावती में? बस खूबी खूबी है। तो अभी जैसे गन्ने की भी बात कर रहे थे, गन्ना मूल्य तय हुआ आपका, कुछ गन्ना रेट खुला हो? यूँ ना होने का तय, उसमें से 10 रुपये घटा के मुझे दुआ दे, तू मैं लिख के दूँ ले या कागज दे, मोदी को कह दिया बात जाकर 10 रुपये कम दुआ दे गन्ने के, मेरा पेमेंट करवा दे, पिछले साल का 6 लाख का रह गया मेरा। लेकिन बाकी चीजें तो बढ़ रही और भी, जैसे भाई महंगाई बढ़ रही, गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए, खाद भी दवाई भी बढ़ रही है। गन्ने का रेट 10 रुपये कम करवा दे, पेमेंट करवा दे, बताओ और क्या। 2 साल का हो गया तो क्या कारण नजर आवे आपको भाई पेमेंट के कारण? ये नजर ही नजर आ रहे, ये झूठे को फुए उड़ा में, बस कुछ तो सरकार बनी जा फिर पता मिला लेते हैं। अब फिर चुनाव आ रहे, फिर वादे करेंगे कुछ ना कुछ, करू जाओ हम तो मानते नहीं इनके बाद। जनता समझेगी इस बात को? जनता का तो पता नहीं, मैं तो समझू इस चीज को, जनता समझ जाए नहीं समझती। क्या महंगाई को लेकर कुछ कह रहे थे, क्या स्थिति है महंगाई की? हाँ जी महंगाई की स्थिति है जी, पब्लिक परेशान है जी, सिलेंडर देख लो आप कहाँ 350 रुपये का था जी, अभी घटाया 200, बताओ क्या घटाया जी, उसे ही बढ़ाता है जी, फिर उसे घटाता है, बताओ घटाते रहो बढ़ाते रहो, एकदम इतनी महंगाई थोड़ी होनी चाहिए जी जितनी हो रही, सब पब्लिक परेशान है इस सरकार से। तो घटा दिया, अब चुनाव आ रहे, घटा दिया आज, ये चुनाव के हिसाब से एक बार चुनाव खत्म हो जाने दो, अब क्या 1500 पार हो जाएगा, ये 1500 पे ठोक देंगे सीधे जाके सिलेंडर, बताओ गरीब आदमी कहाँ से खरीद रहे, जैसे दूसरे राज्यों में 500 का भी दे रही है, यहाँ 900 का है। हाँ जी यहाँ अब क्या चुनाव खत्म होती है, योगी सरकार हो या भाजपा सरकार क्या नाम ले रहा, 1200 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में फिर सिलेंडर, इब तो 900 रुपये है, फिर 1200 हो जाएगा सीधा चुनाव के बाद।
तो महंगाई का असर पड़ता है घर पर सर, हर जगह असर है जी, पूरा असर है महंगाई का। तो मजदूरी और रोजगार के क्या हाल? रोजगार जी ऐसा ठप हो रहा है जी, सब परेशान हो रहे, किसान भी परेशान है जी, मजदूर भी परेशान है, सभी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अब ये देख लो, तब कहीं भी कुछ काम नहीं है। आदमी ये सोच रहा था सरकार ये करेगी काम मिलेगा, इतना मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा जी काम, सब परेशान है। ये कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे एक साल में, जब 14 में मोदी जी आए 13 के बाद चुनाव में। तो इस तरह की लगे आपको आसपास गांव में नौकरी आई हो? कुछ भी नहीं आया जी नौकरी, क्या जी, बूढ़े आदमी परेशान, नौजवान भी, सब महिलाओं के कहते रोजगार मिलेगा, महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं का ये सम्मान है जी, सिलेंडर फ्री दे दे महिला, फिर जेंट्स के अंगली लगाओ सिलेंडर भरवाना पड़े, वो सिलेंडर फ्री मिल जाओ, 2 बार भरवाने में ही वो पूरा कर दे। अब 9 × 2 = 1800 के 2 सिलेंडर हो गए, 2 महीने में 2 सिलेंडर खत्म। महंगाई में परेशानी आती है। हाँ जी, तो मजदूरी भी बढ़ी पिछले 5-10 सालों में, मजदूरी का जी 10-20 रुपए का फर्क लगा जी, और कोई इतनी जितनी महंगाई है ना उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ी जी, मजदूर की जैसे बढ़नी थी जी। तो गरीब आदमी की क्या स्थिति है? गरीब आदमी भी परेशान है जी, किसान लोग वैसे परेशान है पेमेंट को लेके। अब ये देखो, जब किसान की पेमेंट नहीं मिलेगी तो मजदूर आदमी क्या करेगा? जब किसान पे पैसे नहीं तो मजदूर पे कहाँ से पैसे मिलेंगे, बताओ आप ही। समस्या है। हाँ जी समस्या है जी, बहुत तगड़ी समस्या है। किसान रो रहे उधर, मजदूर भी रोने लग रहे, सब पब्लिक का बहुत बुरा हाल हो रहा है। बागपत लोकसभा सीट है। हाँ जी, और क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में, क्या लग रहा? ये जी सीधी लोक दल की आओगी हमारी, टोटली एक तरफा लोक दल ही बनेगी। लेकिन 2 बार बीजेपी से जीते। हाँ जी, वो जीत की कोई लोग अब क्या नहीं है सरकार, ऐसा हिसाब नहीं अब क्या, तो लोक दल पे पूरा भरोसा है जी, जैन चौधरी को लाएंगे जरूर पूरा करेंगे। क्या लगा है बागपत लोकसभा सीट है? मैं तो लोक दल का आदमी, हमारा बाबा दादा तो जैन को एक मिलो या ना मिलो, लेकिन हम तो अपनी चौधरी साहब के पीछे चल रहे, चौधरी साहब के साथ, मोदी के सख्त खिलाफ, बेरोजगारी खत्म, रोजगार नहीं, बच्चों को नौकरी नहीं, कुछ भी किसानों के लिए कुछ नहीं, जवान खड़े वहाँ बॉर्डर पे, दुखी कौन है, किसान जवान। लेकिन बागपत तो योगी जी भी आए, अभी पीछे आए थे मोदी जी भी आए थे, एक बार मोदी ने कई सारे वादे मेरे सामने, मोदी ने कमला नगर में भी फूका, आज आवाज आई थी कि छपरौली वाली सीट कैसे रहे, मैंने क्या बोला कर दिया छपरौली, वहाँ के लोग मेरे से नाराज क्यों हैं? मध्यम वर्ग जो है ना इस टाइम महंगाई इतनी आ चुकी कि मध्यम वर्ग तो बिल्कुल ये तो बड़े बड़े हो गए या छोटे छोटे बीच वाले। तो यहाँ सांसद जी है सतपाल जी, उनका कार्यकाल कैसा लगा? 2 बार सांसद रह चुके, ये है कि हमारा पुणे बन गया, दोनों स्टेट के संबंध अच्छे नहीं रहे, जहाँ उपलब्धि है मोदी की वहाँ कहेंगे, यहाँ अच्छे कार्य है जैसे सड़कें है, राजमार्ग से हमारा सड़कें तो नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, राजमार्ग से ही हमारे देश का विकास होता है, मानेगा नहीं मानेगा, एक शहर से दूसरे शहर में जुड़ गए। और सबसे बड़ा सतपाल सिंह यूँ तो बना बड़ा वो रहेगा योगदान भाई, क्यों हमारा ये आमने सामने पुल बन गया, क्षेत्र की तरक्की, क्षेत्र में काम हुआ, हाँ कुछ विकास का काम है, जो जो बात हो, लेकिन जहाँ कमियाँ हैं, लेकिन और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पर कुछ काम दिखा आपको मोदी सरकार का या भाजपा सरकार? अभी मैं रिटायर हो गया श्राम कृष्ण से गाजियाबाद से, उसने घोषणा करी थी मोदी ने मेरे सामने मंच पर के सामने काम है कि सरकारी नौकरी में जब रिटायरमेंट लेगा है तो दुनिया भर का पैसा दिखाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जब रिटायर होते हैं एक बिटिया की शादी नहीं कर पाते, अगर मेरी सरकार आई तो ग्रेजुएटी 40 दिन की कर लूँगा प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ गई बात, हम रिटायर हो गए भी आज साले वो भी लोग नाम। हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में थे, और जिला बागपत की ये लोकसभा सीट है बागपत, और ये छपरौली गांव पड़ता है यहाँ, हमने यहाँ चाय की टपरी पे लोगों से बातचीत की, यहाँ किसान भी हमारे साथ थे, यहाँ मजदूर भी हमारे साथ थे, लोगों की अलग अलग राय है लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के। जुड़े रहे यूपी, जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद।